हेलो फ्रेंड्स, मैंने जयपुर में कम बैक कर लिया है अपने घर में। तो मैं आई हूँ। इस टाइम पे बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ लू है और मेरे जो प्लांट छत पर रहे हैं उनकी बहुत बुरी तरह बैंड बज गई है। बहुत ही बुरा हाल हुआ उनका। मैं 1 महीने से यहाँ पर नहीं थी, मैं अपने होम टाउन गई हुई थी। तो पीछे से पानी डालने वाले थे, मेरी मदर इन लॉ थी यहाँ पे, लेकिन एक प्लांट को जो पानी नीचे होता है, और पानी भी किस टाइम पे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए, मेरे से वो तो ज़्यादा मुझे ही पता है ना। तो मेरे प्लांट्स की बहुत, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं गेंदे में कितने फ्लावरिंग छोड़ कर गई थी, कितनी अच्छी फ्लावरिंग, ये एकदम सूख चुका है। ये देखिए प्लांट्स की क्या हालत हो गई है। ये देखिए मेरे गुलाब का, ये मेरा गुलाब है, इसकी पत्तियाँ देखिए। हमेशा मैं आपको बोलती हूँ ना, जो पत्तियाँ सूख चुकी हैं, जो पीली पड़ चुकी हैं, उनको हटाते जाइए। अब नहीं थी तो मैं ये देखिए आप, इस पे अच्छी फ्लावरिंग आई थी, लेकिन ना तो इसके जो सूखे फूल हटे हैं, ना पीली पत्तियाँ हटी हैं। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ कि जो प्लांट की ये सब केयर नहीं होंगी तो आपके प्लांट का क्या हाल होगा। देख सकते हैं आप, ये कड़ी पत्ता ठीक चल रहा है। चलिए ये देखिए, ये कॉस्मोस का है, इस पे भी फ्लावरिंग थी, अब नहीं है। मिर्ची में मिर्चियाँ नहीं लग रही। ये मैंने ककड़ी लगाई थी, खीरे लगाए थे, भिंडियाँ तो ऑलमोस्ट सारी मरी चुकी हैं, ककड़ी थोड़ी ज़िंदा हैं और ककड़ियाँ लग भी रही हैं। ये देखिए, ये रही है ककड़ी, ये रही ककड़ियाँ। तो वो बोल रहे हैं कि हमने पीछे से ककड़ियाँ खाई थी तेरी। ये देखिए और भी 3 4 ककड़ियाँ, 4 कल परसों में ही तोड़ी बता रहे हैं। ये देखिए क्या हालत हो रही है इनकी। ये देखिए, इसमें मैंने अपना बैंगन का, आपको ध्यान होगा, बैलन बैंगन लगा रखा था और मैंने 3G कटिंग भी लाई थी। उसके बाद में मैंने उसकी एक दो तीन प्लांट्स पे ही, मतलब बैंगन की सब्जी बनाकर भी खाई थी, 4 5 उसमें जो बैंगन आ चुके थे। देखिए पौधा ही गायब है। और ये देखिए, ये मिर्ची के प्लांट, अब इनमें मिर्चियाँ लगी हुई हैं और ये लाल हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं। ये रही 4 5 मिर्चियाँ, ये लाल हो चुकी हैं, इनको किसी ने तोड़ा नहीं है, ये ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। और ये देखिए पत्तों की, देखिए क्या हालत है, ये देखिए आप देख रहे हैं मेरे प्लांट्स की क्या हालत हुई है। इसमें देखिए, इसमें फ्लावर थे, पालक था बहुत अच्छा, सब गया। और ये देखिए ये वाला मिर्ची का प्लांट, इस पे मिर्ची आई हुई है, अभी मैंने 2 लाल मिर्चियाँ इसकी निकाल कर रखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थी एक और, ये भी इसमें लगी हुई है। ये देखिए, ये जो पत्ते जल चुके हैं ये हटा देने होते हैं। तो आप अपने प्लांट्स को अगर छोड़कर जाते हैं तो आप ही सोचते हैं कि उन्हें पानी ही मिल जाएगा, तो इसी से काफ़ी नहीं होगा। गर्मी बहुत है छत पर और इनको जो है धूप बहुत ज़्यादा मिल रही है। मतलब इनको मैं होती तो शेड में रखती, या फिर कैसे भी करती, इनको इनको थोड़ा कवर करती, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो इनकी बहुत बुरी हालत हुई है। मैं आपको और दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, ये मेरा मिर्ची का सबसे अच्छा प्लांट था, एक सिंगल प्लांट था, ये देखिए पूरा जल चुका है, पूरा धूप से, लू से, समय पे इसको टाइम पे पानी खाद केयर नहीं मिलने के कारण जो है पूरा ख़राब हो चुका है। मैं अपने प्लांट से, सारे प्लांट से मैं अपनी सॉरी बोलती हूँ कि मैं उन्हें छोड़ कर गई और उनकी ये हालत हुई। अभी मैं आपको पुदीना दिखाती हूँ अपना। ये देखिए कितना हरा भरा पुदीना थे मेरा। इस पे क्या, मैं जब गई थी तो यहाँ पर क्या होता था, दोपहर की धूप नहीं पड़ती थी इस जगह पे, और अब जो है 1 महीने से माई हूँ, 1 महीने ऐसे भी 2 4 दिन ऊपर ही हो गए तो, और अब इस पे पूरा दोपहर की धूप पड़ती है। और ये मिट्टी का है, ये जो पोट है ये मिट्टी का है, इसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वो सोख लेता है जो भी पानी इसको मिलता है, इस वजह से ये पुदीना सारा सूख चुका है, सारा जल गया। मेरे प्लांट्स की बहुत बुरी हालत हुई है, मुझे देखकर बहुत रोना आ रहा है। ये देखिए टमाटर था, इसकी हालत देखिए आप,
ये गलती से फूल खिला हुआ है गेंदे का, ये देखिए इस पे अभी ये हमारा हिबिकस, इसमें अभी कोई फ्लावरिंग नहीं है, सारी पीली पत्तियां एज इट इज ऐसी की ऐसी पड़ी हुई हैं। ये जीनिया था, जीनिया का फ्लावर पे अभी नहीं, एक ही फ्लावर आया हुआ है। तो और मैं काफ़ी सारी, ये देखिए इसमें मैंने अपनी शिमला मिर्च लगाई थी और कुछ मिर्चियाँ लगाई थी, टमाटो के ट्रे में लगाया था, वो सब पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मैं किससे क्या बोलूँ, और मैं बोलूँगी तो भी क्यों छोड़ के क्यों जाते हो। तो फ्रेंड्स मैंने जो गलती की है वो मैंने गलती क्या की यार, मजबूरी थी, जाना पड़ता है तो जाना पड़ता ही है। तो मैं फिर से इनको, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं फिर से इनको ग्रो करूंगी, फिर से इनका ध्यान रखूंगी। नीचे वाले प्लांट जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि उन पे जो है इतनी धूप और इनको लू नहीं लगती, और मैट भी लगा चुके हैं हमारे यहाँ, तो वो बचे हुए हैं। बाकी छत वाले प्लांट का बहुत बुरा हाल है। और चलिए हम, मैं इस उनको जो ठीक होते हैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगी, बाकी जो है नए ग्रो करेंगे, कोई बात नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो आप भी अगर देखिए, अगर आप इस अपने प्लांट्स को छोड़कर जाएंगे तो आपकी एब्सेंटी में प्लांट्स का यही हाल होने वाला है। बाय, चलिए टेक केयर।